लेफ्ट ओवर राइस से तैयार किए हुए गुजराती मुठिया की रेसिपी। वैसे ये मुठिया तैयार किए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ लौकी से, पर अगर वेरिएशन देखा जाए तो बहुत तरह का है, जिसमें मेथी के मुठिये भी होते हैं, चावल के मुठिये भी होते हैं। तो आज मैं लेफ़्ट ओवर राइस से तैयार किए हुए मुठिये की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर बचे हुए चावल थे ना वो ले लिए, थोड़ी सी घिसी हुई लौकी, उसी के साथ गेहूँ का आटा। अगर आपके पास गेहूँ का मोटे वाला आटा है तो आप वो ले लीजिए, अगर नहीं तो रोटी का जो रेगुलर वाला आटा है वो ले लीजिए, उसी के साथ थोड़ी सी सूजी और डाल लीजिएगा। मसालों के लिए मैंने यहाँ पर अदरक हरी मिर्ची की पेस्ट डाली थी, उसी के साथ तेल, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, अजवाइन, नमक और थोड़ी सा ऑयल और डाल लिया था। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक डो तैयार कर लिया था और उसके बाद इस तरह से लॉक्स तैयार कर लिए थे। इन सारे मुठिया के लॉक्स को स्टीमर के अंदर स्टीम कर लिया था। ये वाली डिश है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी मानी जाती है। रीज़न बस एक ही है कि ये स्टीम होती है, इसके अंदर ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे ही स्टीम हो जाए उसके बाद उसके ऊपर एक तड़का और लगा लेना है। तो तड़का लगाने के लिए यहाँ पर करीब 2 टेबलस्पून जितना ऑयल ले लिया था और उसके अंदर राई, सूखी लाल मिर्च, हींग, तिल और उसी के साथ मीठा नीम डाल दिया था। सारी चीज़ों को अच्छे से सौते करके उसमें हरी मिर्ची और डाल दी थी और उसके बाद जो मुठिया थे उनको कट कर लिया था वो भी डाल दिया। लास्ट में ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया और नींबू का रस और डाल दिया था। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया और सर्व कर लिया। ये जो मुठिया है वो चाय के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो इवनिंग स्नैक्स में या मॉर्निंग टी के साथ इस वाले मुठिया को ज़रूर बनाइएगा और एक बार ये वाली गुजराती डिश ज़रूर ट्राई कीजिए।